नमस्कार दोस्तों, इस साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस पर एक स्पेशल थीम इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ने हम सब को दी है, वो है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। मतलब कि डायबिटीज केयर और उससे जुड़ी हुई सभी सुविधाएं मरीज को उपलब्ध हो। आप सभी जानते हैं कि कोरोना से भी बड़ी महामारी डायबिटीज पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रही है। स्पेशली अगर हम हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो ये एक बहुत ही भयानक रूप लेती जा रही है, और इसका मुख्य कारण है हमारी बदलती हुई जीवन शैली, स्ट्रेस, हमारे खानपान में गड़बड़ी, और साथ ही डायबिटीज से होने वाले खतरे या कॉम्प्लिकेशंस, आंखों को नुकसान, डायबिटीज के कारण हार्ट को नुकसान, गुर्दे को नुकसान, ये सारे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इस साल हमारा जो थीम एक्सेस टू डायबिटीज केयर है, इसका मतलब कि डायबिटीज केयर हर व्यक्ति को मिले। इस साल से अगले 2-3 साल तक हम सभी की ये कोशिश रहेगी कि डायबिटीज केयर, जो एक प्रॉपर खान पान से लेकर दवाइयां और रूटीन जांचों तक रहती है, वो सभी मरीजों को समय समय पर या उचित समय पर जरूर मिले। और इस सब में हम सभी के साथ हम चाहते हैं कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट भी इस चीज को आगे बढ़ाए, ताकि सारी डायबिटीज में सिर्फ दवा लेने से काम नहीं चलता है, उसके साथ रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलर कॉम्प्लिकेशंस की जांचें भी होना जरूरी है। और खासकर ऐसे समय में कि जब ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, मगर उसकी एक्सेसिबिलिटी किसी कारणवश, या तो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, या फिर हमारे सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण जो है नहीं मिल पाती है, और उससे मरीज वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आज इस वर्ष हम इंसुलिन के 100 इयर्स मना रहे हैं डिस्कवरी के। मतलब आज हमें प्रॉपर डायबिटीज ट्रीट करने की दवा जो इंसुलिन है उसे डिस्कवर हुए 100 वर्ष हो चुके हैं। इसकी सेंटेनरी हम इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर आज भी अगर हम देखें तो लोगों को डायबिटीज के बारे में कम अवेयरनेस है। लोग जांच नहीं करा रहे हैं डायबिटीज की, रूटीन चेकअप्स में लोगों के जिन्हें हाई रिस्क है डायबिटीज का, उनकी डायबिटीज नहीं चेक हो रही है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि लोगों को डायबिटीज केयर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसकी भी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। तो इस वर्ष हमारा यही नारा है और यही हमारी कोशिश रहेगी कि मेडिसिंस जो आज इतनी अच्छी मेडिसिंस मार्केट में आ गई है, जो सिर्फ ना शुगर कंट्रोल करती है बल्कि हमारे गुर्दों को और हार्ट की कमजोरियों को भी ठीक करती है, ऐसी मेडिसिंस हमारे देश के पूरे विश्व में हर डायबिटिक मरीज को मिले। साथ ही काफी सारी अच्छी अच्छी डायबिटीज मॉनिटर करने की टेक्नोलॉजीज आएगी। एटलीस्ट ग्लूकोमीटर, जो आप सब जानते होंगे, ग्लूकोमीटर हर डायबिटिक व्यक्ति को रखना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, बहुत ही कम कीमत में हो, जिससे मरीज खुद अपनी बार बार शुगर की जांच
कर सके और अपनी शुगर को कंट्रोल कर सके। साथ ही काफी सारी मशीन्स जैसे CGMS, AGP आ गई हैं, जो कंटिन्यूअस 24 घंटे हफ्ते दो हफ्ते तक आपकी शुगर मॉनिटरिंग करके आपको आपका पूरा चार्टिंग बनाकर दे सकती है। साथ ही कुछ अभी स्मार्ट वॉचेस भी आ रही हैं जो बिना इंजेक्शन या प्रिक लगाए आपकी शुगर को चेक करके आपको रेगुलर रीडिंग्स दे सकती है। तो एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि इन टेक्नोलॉजीज का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, और इसमें डेफिनेटली काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट इन सब चीजों को इजीली अवेलेबल, बहुत ही कम रेट में अवेलेबल करके इस टेक्नोलॉजी का फायदा सभी डायबिटिक्स को पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ जांचों में भी बहुत आगे निकल चुके हैं हम। डायबिटीज और उससे संबंधित कॉम्प्लिकेशंस, भले से आंख की कोई तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो, गुर्दों की तकलीफ हो, इन सबको हम बहुत ही अच्छी और सटीक जांचों द्वारा बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं, ताकि उनकी स्टार्टिंग में ही हम इनको कंट्रोल करके हमारे मरीज को इन सब परेशानियों से बचा सके। और साथ ही साथ आज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इन सब के साथ डायबिटीज केयर में मानी जाती है, वो है डाइट और एक्सरसाइज। तो हम ये भी चाहते हैं कि हर डायबिटीज के मरीज को पूरी तरीके से एक्सेसिबिलिटी रहे उसके खान पान के बारे में, उसे किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है ना। हर व्यक्ति का खान पान अलग होता है, एक्सरसाइज का स्टेमिना अलग होता है, तो उस हिसाब से उसे एक प्रॉपर इंडिविजुअलाइज डायबिटीज केयर मिले। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा, साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई जो सोसाइटीज एसोसिएशंस हैं, कुछ ऐसी चीजें हम करें जिससे लोगों को इन बेसिक खान पान की चीजों का और रूटीन एक्सरसाइज का और वेट लॉस का सही समय पर इंडिविजुअलाइज प्रॉपर गाइडेंस समय समय पर मिलता रहे। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अगर हम आज ये सब चीज नहीं करेंगे तो शायद ये महामारी और लोगों को नुकसान पहुंचाती जाएगी, और आने वाला समय जो है वो इन मरीजों को बहुत तकलीफ दे सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो अपनी दिनचर्या, जीवन शैली स्वस्थ रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपना वेट कंट्रोल करें और खान पान पे सही कंट्रोल करें। साथ ही जिन्हें डायबिटीज है वो अपने डॉक्टर से मिलके बराबर डाइट एक्सरसाइज का परामर्श लेते रहें, और कोशिश करें कि ऐसी दवाइयां जो सिर्फ शुगर कंट्रोल के अलावा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दें, और साथ ही शुगर को रेगुलर मॉनिटरिंग करने में आपकी मदद करें, ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज करें। धन्यवाद।